क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। तो इनमें से कौन सा जो इक्विवेलेंट है 1 वोल्ट के? तो जो 1 वोल्ट होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, जो वर्क का यूनिट होता है जोल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका ऑप्शन यानी सी इज करेक्ट। बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, टू पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड इन ऑन ए स्क्रीन, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस बाय चार्ज। तो इनमें से कौन सी दो पॉजिटिव चार्ज जो है एक स्क्रीन पर रखें, तो इन स्टेटमेंट से कौन सी सही होगी? पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है इमिट होती है। तो इमिट होती है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो इलाका होता है वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? दोनों सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्जन पैदा करेंगे। रिपल्जन के कारण जो बीच वाला डिस्टेंस है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं। वैसे इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन है, इट इज़ जीरो, हाफ अवे बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ अवे डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाती है। इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 चार्जेस आर कीप्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी आर शोन इन फिगर। ठीक है, एक कॉर्नर है जहाँ पे फिगर के अंदर जो मिला हुआ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस के 2q है, यहाँ पे प्लस के 2q है। तो इनके दरमियान अगर बीच में जो है अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं स्टेटमेंट के बकोल, ठीक है, बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो कौन सी वाली फोर्सेस लगेगी? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का भी आपस में मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो फोर्स लगेगी इसकी इस पे लगेगी फोर्स, और इसकी इस पे फोर्स लगेगी। जो फाइनल जो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगी इन दोनों का जो है पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्जन ज़्यादा पैदा होगी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से क्या फोर्स होगी, तो हम ले कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है अलोंग डायगोनल बी और डी, अलोंग डायगोनल बी और डी, तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगी, यहाँ पे द फोर्स पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर इज स्क्वायर, तो होगी अलोंग डायगोनल बी एंड डी। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। 4 है, द पेंडोलम अबोव ऑफ पेंडोलम ऑफ मास एम एंड लेंथ एल एंड चार्ज क्यू इज रेस्ट पोजिशन इन द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड, द टेंशन इन स्ट्रिंग पेंडोलम। तो यहाँ पे हमें टेंशन मालूम करना, बेसिकली जो टेंशन के फोर्स लग रहा होता है बोब के, वो ग्रेविटी भी लग रही होती है, दूसरी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है हॉरिजॉन्टल में। तो उनके लिए जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एम जी स्क्वायर प्लस ई क्यू क्यू ई स्क्वायर और यहाँ पे होल पावर 1/2, 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रेडिकल। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जो टेंशन की इक्वेशन जो फाइनल हो जाएगी कुछ इस तरह से, जो कि हमारे पास ऑप्शन किसमें मिला हुआ है, सी इज का करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। 5 है, अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, व्हिच इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पार्टिकल मूव आफ्टर इट रिलीज। तो कह रहा है कि एक नेगेटिव पार्टिकल, यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो अगर नेगेटिव पार्टिकल को अगर छोड़ा जाए तो वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव पार्टिकल को अगर छोड़ा जाए तो यह क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर ये कह लेते हैं साउथ है तो ये कह लेते हैं नॉर्थ है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो नेगेटिव पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो मूव करने के बाद अगर यहाँ से छोड़ा जाए तो कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 6 क्वेश्चन है, इफ़ 2 पॉइंट आर प्लेस्ड इन सेम पोटेंशियल आर देयर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड कंटेनिंग कनेक्टिंग देम। कह रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होगी? तो अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमारे पास जो फार्मूला है के ई अपान आर इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिकल फील्ड को होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके दरमियान डिस्टेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं नो, बी इज करेक्ट। 7 है, कूलम लॉ इज कैजुअली अप्लाइड टू द एरिया ऑफ, कूलम लॉ सिर्फ जो अप्लाई होता है वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 है, इफ एफ इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड क्यू एंड पॉइंट चार्ज एट द सम डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज डबल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज डबल, इंडिविजुअल चार्ज इज ऑल्सो डबल, वाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पे कूलम लॉ का फोर्स फार्मूला होता है जो होता है के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर।
तो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो चार्ज भी डबल हो रही है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा कि अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो चार्ज भी डबल हो रही है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा यानी एफ ही रहेगा। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। यूनिट 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स है, चार्ज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो कूलम ईच इज लोकेटेड इन अ वैक्यूम एट द कॉर्नर ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर इन 4 मीटर ऑन ईच साइड इफ ट्राइंगल इफ चार्ज एट ए एंड सी आर पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव चार्ज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज सी। ठीक है, यहाँ से हमें मालूम क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फोर्स का और उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जो है डेटा लिखें, तो डेटा के अंदर हमें कह रहा है कि चार्ज है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को ऑन ए बी सी और 100 कूलम माइक्रो कूलम दिए हुआ है जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस मिला हुआ है वो 4 मीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है जहाँ पे तीनों साइडेड ट्राइंगल की इस तरह से इक्वल हो, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है कि स्टेटमेंट के बकौल एक कॉर्नर पे ए चार्ज है जो पॉजिटिव है, बी पे दूसरी पॉइंट पे सी चार्ज है दोनों पॉजिटिव है और तीसरी पॉइंट पे बी है लेकिन नेगेटिव है, तीनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 मीटर है। तो इनके दरमियान हमें मालूम करना है कि ए और बी का सी पे मैग्नीट्यूड फोर्स का और डायरेक्शन। तो सबसे पहले कि ए होता है कांस्टेंट जो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि इसकी वैल्यू होती है 10^9 10^+9 न्यूटन मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मालूम क्या करना है, डायरेक्शन फोर्स मालूम करना है उसके बाद डायरेक्शन। फार्मूला कौन सा लगेगा, कूलम्स लॉ वाला लगेगा, कूलम्स फार्मूला लगेगा। तो कूलम्स लॉ के अंदर हम के की वैल्यू पुट करें यहाँ पे वो पुट की, उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है क्यू स्क्वायर है यानी Q1 और Q2, हमें क्या मालूम करना है Q1 और Q2 इनकी चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है इनके दरमियान। तो यहाँ पे एजेंशन कर लेना, यहाँ पे चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान फोर्स और रिपल्शन लगेगी और इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, यानी ये कहने का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों सेम लगेगी। तो हम फिल वक्त जो है इन दोनों का चार्जेस का रिपल्शन मालूम करें या तो इन दोनों चार्जेस का रिपल्शन मालूम करें या इन दोनों का अट्रैक्शन मालूम करें, दोनों का सेम आएगा। तो हम दोनों को इन दोनों की चार्जेस का ले रहे हैं मैग्नीट्यूड जो कि 100 माइक्रो कूलम है, माइक्रो का वैल्यू होती है 10^6 वो रखा, उसके बाद चार्ज 2 है वो भी सेम मैग्नीट्यूड है 100 माइक्रो कूलम जो कि 10^-6 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 4। तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो 4 का इसका निकला 16, 10^9 सेम का सेम और 100 ये और 100 ये कितना हो जाएगा 10^4 हो जाएगा और -6 और -6 कितने हो जाएंगे -12। तो इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें यहाँ पे कितना हो जाता है कि 12 -12 में से प्लस के 4 के बाकी बचे -8 और 10^9 सेम का सेम 16, यहाँ से 9 को क्या कर रहा है डिवाइड। तो इन पावर को सिंप्लीफाई करें 9 में से 8 गए बाकी बचा, अब हम क्या कर लेते हैं इनको 9 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से, डिवाइड कर लेते हैं 16 से तो जवाब कितना आ जाता है 0.5625। ठीक है, तो जवाब कितना आ जाता है 0.5625। ठीक है, 10^ कितना आ जाता है 1, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारा कितना हो जाएगा, इनको डिवाइड किया था हमारे पास कितना आ गया ये और मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो यहाँ पे हो गया 0.5625। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.625 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपेलिंग कितनी लगेगी वो इतनी लगेगी। उसके बाद हम करनी है तो डायरेक्शन यहाँ से देख सकते हैं ट्राइंगल के हिसाब से, तो अगर ए जो है सी पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपेलिंग लगाएगा वो भी दोनों आपस में क्या है पैरेलल, और यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो भी सी और बी के दरमियान क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स जो लगेगी इस पे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगी डायरेक्शन की वो क्या लगेगी, फोर्स लगेगी पैरेलल टू, क्या लगेगा पैरेलल इस डायरेक्शन में मालूम करें तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी पैरेलल टू ए बी, ठीक है ए बी के पैरेलल होगी फोर्स। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो ये रिव्यू कर लेते हैं, याद आप क्वेश्चन नंबर 1 उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज दैट वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड विज 100 न्यूटन सेकेंड एट द पॉइंट 100 मीटर अवे। तो यहाँ से हमें चार्ज मालूम करनी है, ठीक है डेटा लिखे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो मिला हुआ है 1 न्यूटन अपॉन कूलम और रेडियस यानी डिस्टेंस कितना मिला हुआ 1 मीटर। तो यहाँ से हमें के कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू थी 9 10^9। ठीक है, तो मालूम क्या करना है, हमें चार्ज मालूम करें जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है के क्यू सिंपल है।
तो यहाँ से हमें क्यू मालूम करना है, ये इधर डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्यू के लिए जो फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी मिली हुआ, वन मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना मिला हुआ, वन वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन जो है जो कूलम कांस्टेंट है, ठीक है, तो नाइन टेन पावर नाइन। तो यहाँ से वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, टेन पावर प्लस के नाइन है, ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के, तो बाकी क्या बचा, वन अपान नाइन। नाइन को सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपान नाइन को सिंप्लीफाई करें तो जवाब कितना आ जाता है 0.11। तो जवाब कितना आ जाता है 0.11 टेन पावर कितना आ जाता है माइनस नाइन कूलम, ठीक है, तो माइनस नाइन कूलम आ गया। तो यहाँ से हमें बुक वाला आंसर चाहिए, तो एक पॉइंट जो है जाएंगे तो यहाँ पे एक अजाफे हो जाएगा टेन पावर माइनस का वन, तो किस तरह से हो जाएगा कि 0.11 टेन पावर यहाँ से पॉइंट इस तरफ लेकर जाए तो टेन पावर माइनस का वन मल्टीप्लाई बाय टेन पावर पहले वाला माइनस का नाइन, सेम का सेम, माइनस का वन और माइनस के नाइन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1.11 टेन पावर कितना हो जाता है माइनस का टेन कूलम। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ गई क्यू की, फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितनी आ गई, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्यू कितनी आ गई 1.11 टेन पावर माइनस टेन कूलम, ठीक है, ये आ गई मेरे पास फाइनल रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर टू, उसकी डेटा रुकायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं, कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू प्लस प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड अनदर चार्ज इज माइनस क्यू टू प्लेस्ड एट द सेंटर एट द डिस्टेंस इज 9 मीटर फ्रॉम द चार्ज क्यू प्लस, डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस एट व्हिच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, ये एग्जामिनेशन करना कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है जीरो आना चाहिए वो पॉइंट हमें। पहले क्वेश्चन नंबर थ्री की डेटा लिखें तो क्यू वन जो मिला हुआ है प्लस का क्यू, क्यू टू मिला हुआ है माइनस का क्यू टू, ठीक है, डिस्टेंस उनके दरमियान जो मिला हुआ है ओरिजिन से वो मिला हुआ है नाइन। तो हमें मालूम करना है कि एक से एक पॉइंट है जहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं वो जीरो हो, ठीक है, ये एक्स पॉइंट हमें मालूम करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि पोटेंशियल जो है प्लस चार्जेस का प्लस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्जेस का दोनों का जो सम अप करें तो वहाँ पे कितनी पॉइंट हो जाए, जीरो हो जाए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है के क्यू अपान आर, ठीक है, के क्यू अपान आर, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस, दोनों का फार्मूला जो है सेम का सेम, इजिकल टू जीरो, सेम का सेम। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्यू प्लस ओरिजिन पे है और क्यू टू जो है सम डिस्टेंस है 9 मीटर, तो वहाँ से कौन सी पॉइंट होगी जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि क्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस माइनस के अंदर हमने 9 - x रख दिया है, यानी वो डिस्टेंस मालूम करना, वो पॉइंट मालूम करनी है जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वाले चार्ज का, प्लस सेम का सेम, तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो प्लस इनटू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, एक कॉमन चीज़ निकल आती है, के क्यू जो है कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ से निकल लिया वन, यहाँ पे बचा 1/x माइनस, यहाँ पे बचा 2/9 माइनस एक्स, के क्यू हमारे यहाँ पे आ गया कॉमन निकलेगा। तो ये के क्यू जो है मल्टीप्लाई करा यहाँ पे जीरो से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो कि ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या बचा है, बाकी ये ब्रैकेट वाला बचा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 2/9 माइनस एक्स इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से इसको क्रॉस में यहाँ पे इनको ये जो प्लस का ये जो माइनस का टर्म है उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कुछ इस तरह से टर्म। तो इन टर्म को क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 - x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स जो है माइनस का है उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1 - x + 2x + 1x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 9। तो यहाँ से हमें एक्स यानी वो पॉइंट मालूम करनी है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस या वो पॉइंट का फासला मालूम करना है। तो यहाँ पे एक्स हमें मालूम करना है बेसिकली, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई करा यहाँ से 9 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, 3 का टेबल इस पे 3 टाइम, तो एक्स की पॉइंट क्या मिल जाएगी, यानी 3 मीटर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 मीटर डिस्टेंस पे ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का चार्जेस का क्या, इन दोनों चार्जेस का 3 मीटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 3, इसको हम अगर इसी फैक्टर के अंदर पुट कर दें, इसी फैक्टर के अंदर पुट कर दें, या फिर यहाँ पे जो हमने फैक्टर पे इनिशियली जो इंट्रोड्यूस किया था इसी फैक्टर के अंदर अगर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3,
तो इनसाइड और इनसाइड दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमारा जो है थ्री है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हमारा जो जवाब थ्री आया, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, क्यू प्लस से कितना डिस्टेंस होगा 3 मीटर पे। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर, रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। उसकी डेटा, डेटा के बाद रुकवायर फार्मूला, सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं। इन ऑब्जेक्ट हैविंग नेट चार्ज इज माइनस, नेट चार्ज ऑफ 24 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन 610 न्यूटन अपॉन कूलम डायरेक्टेड वर्टिकल। व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इफ इट फ्लोट ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हमें मालूम करना है कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इतना मिला हुआ और इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी मिली हुई है, तो बताएं कि कितना मास रखें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर वो फ्लोट करने लगे, गिरे ना, तैरने लगे। फोर के डेटा लिखे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी मिली हुई है 610 न्यूटन अपान कूलम, और इलेक्ट्रिकल चार्ज कितनी मिली हुई है 24 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6। मालूम क्या करना है हमें, मास मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, ई क्यू अपान जी। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, बेसिकली हमें दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तहाँ जब जहाँ के हमें चार्ज जो है कितना मास अगर इलेक्ट्रिकल इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखें तो जो मास है वो फ्लोट करने लगे, घिरे ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि दो फोर्सेज यहाँ पर लग रही है, एक गिरने के लिए फोर्स जो लग रही होती है वो न्यूटन वाली फोर्स लग रही होती है, वेट वाली फोर्स, और जो ऊपर वाली फोर्स लग रही है जिसे वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एफ ई से ज़ाहिर करते हैं और जो वेट वाली फोर्स को ज़ाहिर करते हैं एफ जी से। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें कूलम से नहीं बताया था वो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स का फार्मूला है कि ई इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और वो वेट वाला फोर्स होती है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, वहाँ पे हमें मास मालूम करना है। इक्वल हो जाता है तभी तो चीज़ वो फ्लोट करेगी। तो यहाँ से हमें क्या मालूम करना, मास ये इधर जी मल्टीप्लाई करा वहाँ पे डिवाइड करेगा, तो मास के लिए जो फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सिंपलीफाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी मिली हुई है 610 मल्टीप्लाई बाय चार्ज जो मिली हुई है 24 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू अंडर स्टोर 9.8। तो इनको पहले सबसे पहले सिंपलीफाई करें कि 610 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे 9.8। तो हमारा जवाब कितना आ जाता है कि 1493.8 10 पावर माइनस 6 सेम का सेम, यानी 1493.8, ठीक है। और जो है 10 पावर माइनस 6 सेम का सेम, तो मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया केजी। इस माइनस सिक्स को, माइनस सिक्स का मतलब होता है कि यहाँ से जो है 6 डिजिट पीछे चले जाएंगे, डेसिमल से 6 डिजिट पीछे चले जाएंगे। तो जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.001493 kg। तो ये आ गया हमारे पास मास की वैल्यू kg के अंदर, लेकिन के अंदर हमारे पास जो मिली हुई है वो मिली हुई है ग्राम के अंदर। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 10 जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3। तो इसको इसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर मिला हुआ मास वो ग्राम के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितनी रिजल्ट आ जाती है, तो इसको कर देते 1000 से, यानी 0.001493 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आ जाता है 1.49। तो यहाँ पे कितना आ जाता है ग्राम के अंदर, वह जाता है 1.49 ग्राम, जो कि राउंड ऑफ करेंगे बुक के अंदर जो आंसर मिला हुआ है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको वन के अंदर राउंड ऑफ 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 ग्राम, ठीक है। तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास कितना होना चाहिए इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, 1.5 ग्राम, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास रिजल्ट, रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर फोर। इसकी डेटा, डेटा के बाद रुकार, रुकार के बाद फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।